महाराष्ट्र सरकार ने जो एक फैसला लिया है कि अब किराने की दुकान में, मॉल्स में, सुपर शॉपीज में अब वाइन बार्स खोले जा सकते हैं, एट्रैक्टिव वाइन का डिस्प्ले किया जा सकता है और कोई भी जाकर वहाँ पर वाइन खरीद सकता है। उनका तर्क ये है कि हम वाइन को इस वजह से बढ़ावा दे रहे हैं ताकि जो अंगूर की खेती करने वाले हैं उन किसानों को फ़ायदा मिले है करके। तो मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि अगर अंगूर की खेती के लिए किसानों को फ़ायदा मिल रहा है तो उनको गांजे की खेती करने की भी इजाज़त दे दी जाए। सरकार को ये नहीं क्यों नहीं सूझा कि हम वाइन की जगह है तो किसानों के पास गाय, बैल और भैंस भी रहते हैं, तो हम वाइन की जगह हम है तो मिल्क बार्स स्टार्ट किए जाए किराने की दुकान के अंदर, सुपर शॉपी के अंदर है तो हम बहुत अट्रैक्टिव डिस्प्ले करके हम दूध की बॉटल्स रखें और बच्चों को और सभी को दूध पीने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन ये ऐसा ना करते हुए उनको से पैसे से मतलब है और हमारी पूरी संस्कृति को ख़राब करने का ये फैसला लिया गया है। तो अब मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब और महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी तीनों को ये चुनौती देखता हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है तो औरंगाबाद में एक है तो वाइन बार कहीं खोल के दिखाई करके उसके अंदर। मैं ये जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं मेरे ज़िले के अंदर ये वाइन बार खोलने नहीं दूंगा। मैं मेरी माँ बहनों से ये अनुरोध करूँगा कि इस मुहिम के अंदर मेरे साथ में जुड़े और जहाँ पर भी ये खोलने की कोशिश की जाएगी या खुलेगा तो उसको फोड़ देने का काम करें, बिल्कुल वहाँ पर चलना नहीं चाहिए करके। और ये पूरे महाराष्ट्र के अंदर सभी माँ बहनों ने रास्ते के ऊपर आकर ये काम करने की ज़रूरत है क्योंकि हम समाज के अंदर ये जो बुराई लेकर आ रहे हैं तो या तो हम खामोश बैठ के इसे स्वीकार लें या नहीं तो हम उसका विरोध करें। और ऐसे कई समाज सेवकों ने कई मर्तबा जब समाज के हित के लिए अगर नियम और कायदे कानून तोड़ने की बारी आई तो उन्होंने नियम और कायदे कानून भी तोड़े हैं समाज की भलाई के लिए। तो हम भी इस भलाई के लिए हम जहाँ जहाँ पर भी ये वाइन बार्स खोलने का जो भी सुपर शॉपी या दुकानदार अगर सोच रहा होगा तो तुम समझ लो कि तुम्हारी खुली वहाँ पे वाइन और हमने वहाँ पे आके फोड़ दिए हैं। फिर हमारे ऊपर जो केसेस होने का है हम वो केसेस झेलेंगे क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये फैसला बच्चों के लिए ये है कि पहली सीढ़ी है तुमको नशाखोर बनाने के लिए। आज वो वाइन पियेंगे, कल के दिन जाके उनके हाथ में बियर की बॉटल रहेगी, परसों वो है तो विस्की लेंगे, रम लेंगे और कहेंगे कि नहीं इसकी शुरुआत जो है हम तो सरकार ने बोली है कि तुम पी सकते है करके। ये बहुत ही गलत फैसला लिया गया है मैं समझता हूँ।